ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर 41A का नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए उन सिचुएशंस में, नॉट इट आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करने से पहले आपको बता दूं कि 41A होता क्या है। तो हमारे पास एक लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि एक एक्ट है। इसका सेक्शन 41A ऑफ CRPC क्या कहता है, ये कहता है कि आपको पुलिस के पास अपीयरेंस के लिए वो नोटिस भेज सकती है। यानी कि पुलिस वाले 41A का नोटिस तब भेजते हैं लोगों को जब कोई क्राइम कमिट हो जाता है और पुलिस को लगता है कि इस क्राइम में उस पर्सन का हाथ है, यानी सबके बिहाफ पर उस पर्सन को हम नोटिस भेजते हैं। कौन? पुलिस नोटिस भेजती है, पुलिस इन द सेंस IO, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो वो नोटिस भेजता है और उन पर्सनों को बुलाता है जिनसे पुलिस को लगता है कि इसमें इसका हाथ हो सकता है, तो उनको बुलाया जाता है। अब सेकेंड ड्यूटी ये बनती है कि उस पर्सन को क्या करना चाहिए जिसको 41A का नोटिस आया है। तो उसकी सिंपल सी ड्यूटी है कि उसको वहाँ पर पेश होना चाहिए, यानी कि उसको वहाँ पेश होना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सपोज आप उस 41A के नोटिस पे नहीं जाते तो उसमें पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, गॉट इट। सो आप कभी भी 41A का नोटिस आए तो उसको इग्नोर ना करें, जहाँ पर आपको पुलिस बुलाए थाने में किसी भी, तो वहाँ पर आप प्रॉपर पेश होइए, गॉट इट। अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर हो तो आप बेहिचक पेश होइए, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ हाथ है उसमें तो आप एक एडवोकेट की हेल्प भी ले सकते हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर।